नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज लाई हूँ मुँह में घुल जाने वाले चावल के आटे के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं लड्डू बनाना। तो हमने चावल का आटा 1.5 कप लिया है, घर का बना हुआ आटा है। तो आप घर पे बनाना चाहते हैं तो हमने वीडियो डाली है, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया है कि बाज़ार का तो लाना नहीं चाहिए, बाज़ार का आटा तो कटु लगता है, ठीक से नहीं मतलब वो लोग करते हैं। हमने 1.5 कप चावल का आटा लिया है और 1.5 कप चावल के आटे में 1/2 कप शुद्ध घी लिया। विधि चाहिए हो तो हमारे घी की हमारे चैनल पे देख सकते हैं, तो विधि मिल जाएगी। तो 1/2 कप हमने वो ये 1/2 कप घी को हमने पिघला लिया है, आँच धीमी कर रखिएगा और ये पिघले हुए घी में चावल का आटा डाल देना है और हमें चलाते हुए हमें सेकना है इसे। जो देखिए इस तरीके का, हमें ज़्यादा एकदम ज़्यादा नहीं सेकना है, इतना सेकना है हमें कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए चावल के आटे का। और अब क्या करेंगे, अब उसमें हमने 1 कप दूध लिया है, तब उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, ताकि आप को भी आपको अंदाज नहीं हो तो आप थोड़ा थोड़ा दूध करके डालिएगा, ताकि आपको पता रहेगा तो पतला ढीला नहीं होगा और अच्छे से लड्डू होंगे। हमारा दूध भी बच गया, 1 कप नहीं लगा हमें, उसमें से बच गया है, तो आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। और अब हम क्या करेंगे, अब 1/2 कप हमने चावल शक्कर का पाउडर डाल दिया है। ये शक्कर भी हमने घर पे पीसी है, आप चाहें तो बाज़ार से ला सकते हैं, या घर पे पीसना चाहे तो घर पे मिक्सी में पीस सकते हैं। 1/2 कप ये चावल शक्कर का पाउडर हम इसमें डाल देंगे ये भी, और ये इलायची पाउडर पीसा है हमने, ये भी डाल देंगे इलायची पाउडर, और अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को। और ये देखिए इस तरीके से हमारी मुट्ठी बन गई है, अब लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब लड्डू बनाइए आप इस तरीके से, ध्यान रखिए कि हाथ नहीं जले, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद बनाइएगा। ये देखिए इस तरीके से, अब ये देखिए हमने लड्डू बना लिया, ये बन गया आसानी से, लड्डू बन गया। तो आप विशेष ये कुछ चीज़ें हैं जो उसकी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ताकि जब भी सही लड्डू आप बना पाएंगे, क्यों पतला नहीं होने देना और ना ही ज़्यादा इकट्ठा होने देना, क्योंकि आपको बनाने में भी सहूलियत होनी चाहिए। ज़्यादा इकट्ठा कर देंगे तो लड्डू बनेंगे नहीं, और ज़्यादा पतला कर देंगे तो भी नहीं बनेंगे, तो इसलिए ठीक से मतलब उसे करना है मिश्रण को। ये देखिए कि मतलब इकट्ठा करना है, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि आप बना नहीं सको, तो आपको ये 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये बना लीजिए सारे लड्डू, ऐसे सारे लड्डू ऐसे बना लीजिए। ये देखिए ये बन गए सारे लड्डू, और अब डेकोरेट कर दिया हमने इसको, देखिए आप इस तरीके से डेकोरेट भी कर दिया। तो आप ये हल्दी से हमने डेकोरेट ऐसा करा है, तो आपकी चॉइस है, आप डेकोरेट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से, मेरी तरीके से भी आप हल्दी से चाहे तो डेकोरेट कर सकते हैं, नहीं तो काजू बादाम किशमिश से भी आप सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैंगे, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये मेरी आज की वीडियो थी, ये मुंह में घुल जाने वाले चावल के लड्डू, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, मेरे चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। बाय बाय।